हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम एक नए क्ले के साथ काम करेंगे, वो है पॉलीमर क्ले। तो आइए जानते हैं सबसे पहले क्या है पॉलीमर क्ले। पॉलीमर क्ले एक्चुअली पीवीसी यानी के पॉलीमर पॉलीविनाइल क्लोराइड से बना होता है। इस पॉलीमर क्ले में एक्चुअली क्ले वाले कोई भी मिनरल्स नहीं होते। इसमें एक्चुअली पीवीसी के ड्राई मटेरियल्स में एक लिक्विड मिक्स किया जाता है, जिससे ये क्ले कुछ जेल की तरह बन जाता है और फिर हम जब इसको बेक करते हैं तो ये हार्ड हो जाता है। पॉलीमर क्ले एक्चुअली आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में यूज़ होता है या फिर कोई भी कमर्शियल एरिया में डेकोरेटिव आइटम्स बनाने के काम में आता है। पॉलीमर क्ले एक्चुअली एयर ड्राई क्ले से थोड़ा महंगा होता है। आप चाहें तो पहले ये वीडियो देखकर सस्ते ऑप्शंस जो ऑनलाइन मिलते हैं उन्हें ट्राई कर सकते हैं। तो आज हम पॉलीमर क्ले से मार्बल्ड इफ़ेक्ट वाले कुछ चीज़ें बनाएंगे। तो पहले हम अलग अलग कलर वाले पॉलीमर क्ले यूज़ करेंगे। मैंने इस वीडियो में जो पॉलीमर क्ले यूज़ किया है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। आप कोई भी अपने मनचाहे कलर्स का पॉलीमर क्ले यूज़ कर सकते हैं। जब आप पैकेट खोलेंगे तो आप देखेंगे कि ये थोड़ा सख्त या हार्ड होता है, बट जैसे ही हम इसे खोल कर रोल करेंगे तो ये धीरे धीरे अपने आप स्मूथ हो जाता है, ताकि आप इसे अच्छे से शेप कर सकें। मैंने इसमें 5 कलर्स यूज़ किए हैं। आप क्वांटिटी के हिसाब से कोई भी कलर्स यूज़ कर सकते हैं, 2 या 3 या 5 से भी ज़्यादा। सारे क्ले को हम एक एक करके रोल करके रखेंगे और मैंने इस क्ले से 2 चीज़ें बनाई हैं, इसलिए मैं सारे क्ले के बॉल्स को 2 में डिवाइड कर लूँगी। और डिवाइड करने के बाद हर एक क्ले को फ्लैट रोल करना है, जैसे मैंने वीडियो में किया है, आप ध्यान से देखिए। अब सारे क्ले जब रोल हो जाए तो ऐसे इसे मिक्स करके इसको अच्छे से रोल करना है। ट्विस्ट एंड रोल, ट्विस्ट एंड रोल, यही मेथड यूज़ करके हम एक मार्बल्ड इफ़ेक्ट लेकर आएंगे। करीब 2-3 बार ट्विस्ट एंड रोल करके हो जाने के बाद हम इसको एक रोलिंग पिन या बेलन की मदद से इसे बेलेंगे। आप इक्वल विड्थ का अगर कोस्टर बनाना चाहते हैं तो 2 कोई भी सेम विड्थ की चीज़ें लेकर यूज़ करिए और फिर बेलिए, ताकि आपकी समान विड्थ आ जाए। बट ये ऑप्शनल है, अगर आप नॉर्मली बेलना चाहें तो भी बेल सकते हैं। अब इसे रोल करके अच्छे से हमने सर्कुलर शेप दे दिया तो हमारा कोस्टर एक्चुअली रेडी हो गया। अब हम बना रहे हैं सोप डिश। सेम प्रोसेस यूज़ करेंगे जो हमने कोस्टर के लिए यूज़ किया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा रोल करने का तरीका हमने फ़र्क यूज़ किया है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए, मैंने इसमें ट्विस्ट एंड टर्न करके इसको सर्कुलर वे में रोल किया है, इसे आप ध्यान से देखिए। अब ये पूरा रोल हो जाने के बाद हम इसे भी बेलन से बेल लेंगे। तरीके से रोल करने के बाद ये मार्बल का इफ़ेक्ट अलग आया है। अब फ्लावर कटर से मैंने इसमें फ्लावर के शेप के होल्स बनाए हैं। आप चाहे तो कोई भी शेप के होल्स कर सकते हैं, सर्कुलर, ट्रायंगुलर, स्क्वायर, कोई भी शेप। और ये जो फ्लावर्स हमने कट किए हैं इन्हें हम फेंकेंगे नहीं, इसको यूज़ करके हमें की चेन बनाएंगे।
अब इसके साइड्स को हम स्टिफ करेंगे और कॉर्नर्स को पिंच कर देंगे ताकि एक डिश का शेप बन जाए। जो हमने फ्लावर्स कट किए थे उनमें हम टूथपिक से होल बना लेंगे और फिर बाद में थ्रेड या फिर कोई भी स्ट्रिंग यूज़ करके, कोई चार्म्स यूज़ करके, बीड्स यूज़ करके हम इसे जॉइन करेंगे और फिर एक की चेन में बना लेंगे। अब चलिए बनाते हैं मोबाइल फ़ोन होल्डर। इसका प्रोसीजर भी बिल्कुल सेम है, ट्विस्ट टर्न एंड रोल, ट्विस्ट टर्न एंड रोल। इतना हो जाने के बाद हम इसे बेलेंगे और एक रेक्टेंगुलर शेप देंगे। वीडियो को आप ध्यान से देखिए। रेक्टेंगुलर शेप देने के बाद इसको हम दोनों एजेस से रोल कर रहे हैं, वो आप वीडियो में देखिए कैसे किया है मैंने रोल। फिर मैंने इसे स्टैम्प की मदद से थोड़ा डिज़ाइन स्टैम्प किया है। ये स्टेप ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे नहीं भी कर सकते हैं। अब सारे आइटम्स को हम अवन में बेक करेंगे। ये ध्यान रखिए कि जो भी क्ले आप ख़रीद रहे हैं उसके पैकेट पे बेकिंग इंस्ट्रक्शंस क्लियरली लिखे होते हैं, उन्हें ज़रूर फॉलो करिए। मैंने मेरे क्ले के लिए 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे बेक किया है 20 टू 30 मिनट्स तक। ये मोबाइल फ़ोन होल्डर जो मैंने बनाया है, इसका जो बैक रेस्ट है फ़ोन के लिए वो थोड़ा हाइट में कम है, तो मैं इस पे एक और क्ले को रोल करके उसी तरीके से लगाऊंगी। और ये अब हमारे बेक करके सब आइटम्स रेडी हैं और ये देखिए ये हार्ड भी हो गए हैं बेक करने के बाद। बस अब हम इनको पेंट करेंगे और लास्ट में एक वार्निश का कोट करेंगे और हमारे सारे आइटम्स रेडी।
कितनी आसानी से आपने मार्बल इफ़ेक्ट वाले आइटम्स घर ही में बना लिए, है ना बहुत आसान। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।